तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और आज मैं डाल रही हूँ ब्लॉग और सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और मेरा नाना हुआ है क्योंकि आज बृहस्पति है और मुझे पूजा भी करनी है। तो आप सब से आज मैं शेयर कर रही हूँ बृहस्पति किस प्रकार मनाती हूँ और किस तरह से करती हूँ मैं। आप शादी के 3 साल बाद में ही मैंने बृहस्पति चालू किया था, आज तक मैं कर रही हूँ। कभी कभी बीच में कोई काम भी हो जाता है, कुछ घटनाएँ ऐसी होती है जो मैं बीच में छोड़ भी देती हूँ, फिर वापस अपना रूटीन कर लेती हूँ। और बृहस्पति के दिन मैं ज़्यादा इतना कुछ नहीं करती, एकदम सिंपल तरीके से व्रत कर रखती हूँ और आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ, दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं बृहस्पति की पूजा स्टार्ट करती हूँ और लोटा मंदिर में भर के रखती हूँ पानी का, और वो अब मैं तुलसी में डाल के रही हूँ। और मंदिर में का दीपक वगैरह सब क्लीन करना है, थोड़ी देर क्लीन करके बाद में इसमें पूजा स्टार्ट करती हूँ। और ये आप जो बुक देख रही हो 10 सालों के लाए हुए व्रत का, जब मैं व्रत स्टार्ट किया तो उस टाइम पर लेके आई थी ये बुक। और इस ये कथा इसके अंदर कथा ये कथा पढ़नी पड़ती है और आरती गानी पड़ती है व्रत करने, ये वो कथा पढ़ने के बाद में। और अब मैं दीपक जला रही हूँ, अब मैं दीपक वगैरह साफ करी, ये लोटा है इसको तो धोना है, मिट्टी से साफ़ करती हूँ। और ये है सत्यनारायण जी की फ़ोटो और इसके आप पूजा करती हूँ इसके। और लोटा पानी का भर के रख दिया, ये पाती है दीपक के लिए मैं यही पाती यूज करती हूँ, सस्ती पड़ती है और दीपक जलता भी रहता है। और अब मैं पूजा ने दीपक लगाने के बाद अगरबत्ती करने के बाद कथा स्टार्ट कर रही हूँ। आज के दिन मैं सिंपल पानी से ही नहाती हूँ, साबुन यूज नहीं करती हूँ, न कपड़े धोती हूँ न पोछा लगाती हूँ। और ये रूल अपनाती हूँ शुरू से ही, जब मैं बृहस्पति का व्रत किया था उस टाइम से ही ये रूल अपनाती हूँ। बस एक नमक ज़रूर खाती हूँ क्योंकि नमक कभी कभी गैस रीजन होता है तो नमक जल और ये नियम पकड़ा नहीं जाता। मैं एकदम सिंपल रखती हूँ, नमक खा लेती हूँ, नमक यूज कर लेती हूँ सब्जी के अंदर सब में। और अब मैं दीपक लगा रही हूँ, दीपक अगरबत्ती करके बाद में कथा सुननी है और आरती भी गानी है। और इस तरह से मैं सोचती हूँ कि दिल में श्रद्धा हो तो सब कुछ है, और अपने परिवार और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो मेरे दिल में भी एक संतुष्टि मिल जाती है बृहस्पति का व्रत करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा रीजन भी होता है जब बीच में छूट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार कर रही हूँ, मैं कई बार छूट भी गए हैं मेरे बृहस्पति के व्रत, तो वापस रिटर्न ये पुनः अपना रूल ये रिटर्न अपना लेती हूँ और बृहस्पति वापस स्टार्ट करती हूँ। मम्मी एक्सपायर होने के लिए मैंने सवा मैंने व्रत नहीं किया था, अब आज ही पूजा की है बृहस्पति की, क्योंकि पूजा करना मेरे मम्मी का मानना भी था कि बस व्रत करने से कोई वो नहीं होता है, व्रत करना भी चाहिए और अच्छा भी होता है अपने परिवार के लिए। और बृहस्पति के दिन मैं ज़्यादा पीले वस्त्र नहीं पहनती हूँ, एकदम कभी इच्छा होती है तो पीले वस्त्र पहन लेती हूँ, नहीं सादा बनती हूँ। अब दीपक तो मैंने जला लिया, अगरबत्ती कर ली, अब मुझे कथा सुननी है तो थोड़ी बैठ कर मैं कथा सुनती हूँ, फिर बाद में आरती करती हूँ। एकदम सिंपल तरीके से ही अपना बृहस्पति का व्रत करती हूँ, इस तरह से मैं अपना बृहस्पति का व्रत करती हूँ, एक टाइम मेरा खाना हो जाता है। कथा सुनने के बाद में अब मैं इसमें गुड़ और चने की दाल का प्रसाद बनाती हूँ, ये गाय की रोटी में ही रख लेती हूँ, कुछ खाना हो तो खा लेती हूँ व्रत खोलते टाइम पर। और खाना मैं एक टाइम ही खाती हूँ, दोपहर में लंच के टाइम पर खाना खा लेती हूँ। और ये पूजा करने के बाद मैं हल्दी का ही तिलक निकलता है, पीला तिलक निकलता है, पीले वस्त्र भी पहन सकती हूँ मैं, कोई ये पीले वस्त्र का रोल नहीं अपनाती हूँ, जैसा भी वैसे। लगभग 8 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट में सोच रही हूँ आज मैं दलिया बनाऊँ, दलिया बहुत ही हल्का और भोजन होता है और सुबह सुबह अच्छा भी लगता है बच्चों के लिए। और मैं बना रही हूँ दलिया और आप सबसे शेयर भी कर रही हूँ। और लंच में बना रही हूँ गट्टे की सब्जी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनती है, जब कभी सब्जी न होए तो घर में गट्टे की सब्जी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी भी लगती है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में बना रही हूँ दलिया। और दलिया बनाने के लिए मैंने कुकर रखा है, कुकर में डाला है थोड़ा सा घी और एक तरफ मेरी चाय बन रही है और दूध भी गर्म हो रहा है, क्योंकि मेरा स्टोव 3 बर्नर का है तो एक साथ 3 काम हो जाते हैं तो ये अच्छा भी रहता है। और अब मैं चाय भी बन रही है साथ साथ में और दलिया भी बना रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम होगा बच्चों का। और अभी इसमें डाला है, घी के अंदर डाला है मैंने दाल और थोड़ा सा दलिया, इसको घी के अंदर अच्छी तरह से भूनना है
और चाय बन रही है, क्योंकि सुबह सुबह चाय का भी काम हो जाता है। और दलिया को अच्छी तरह से भूनना है 5 से 7 सेकेंड, या इसको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए। और भुनने के बाद में इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैं डाल रहा हूँ इसमें के अंदर 2.5 गिलास, आप 2.5 गिलास पानी का डाल सकते हो। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और टेस्ट अनुसार इसमें नमक डालते हैं, ताकि दलिया एकदम खिला खिला और परफेक्ट दलिया बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे छाछ या दही के साथ भी ले सकते हो, और दूध के साथ भी लगते हैं, बच्चों के अपने टेस्ट अनुसार इसमें यूज कर सकते हो, और अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ऐसी बनती है, और हल्की फुल्की रेसिपी है, और सबको पसंद आती है। और पानी ऐड के करने के बाद में इसे ढक कर रख दें, और चम्मच न रोड़ें, क्योंकि चम्मच रोड़ने से, चम्मच हलाने से, बार बार हलाने से दलिया चिपकने का डर रहता है, और इस तरह से खिला खिला दलिया बनता है, एकदम परफेक्ट दलिया बनता है। बना रही हूँ चाय, और क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है, तो सुबह सुबह चाय ज़रूरी हो जाती है, और पूजा करने के बाद में इसमें चाय बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ कर अब चाय पीएंगे। आप देख सकते हो दलिया एकदम खिला खिला बनता है, और बनाए, और इसको मैं छोटे बर्तन में निकालूँ दलिया को। अब दलिया बनाने के बाद में अब मैं गट्टे की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। आज सोच रही हूँ मैं गट्टे की सब्ज़ी बना लेती हूँ, कि फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो बनाने के लिए, तो मैं गट्टे की सब्ज़ी की बनाने की सोच रही हूँ। एकदम टेस्टी सब्ज़ी बनती है, और अच्छी भी लगती है, बच्चों को पसंद आती है। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 चम्मच बेसन, थोड़ा सा अजवाइन डाला इसके अंदर, थोड़ी सा नमक टेस्ट अनुसार नमक, और लाल मिर्च पाउडर। और आप इसे हल्का सा गूंद लें, जैसे आटा लगाते हैं वैसे गूंद लें, न टाइट न पतला, इस हिसाब से गूंद लें इसे, और हल्का सा तेल लगा कर हथेली पर इसे गूंद लें। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डाला है, और ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें जीरा भी डाल दिया, जीरा मेरा काला हो रहा है। आप इसमें राई भी डाल सकते हो, राई के दाने भी डाल सकते हो तड़के के लिए, और प्याज वगैरह हरी मिर्च सब मैंने तैयार कर लिए है। और का जीरा काला होने के बाद में इसमें प्याज वगैरह मिर्च वगैरह ये हल्के से फ्राई करने, और इसके अंदर मैं इसमें डाल दिए प्याज और मिर्च, और 2 टमाटर कट करके वो भी डाल दिए। इसको हल्का से पकाना है, और ताकि टमाटर वगैरह गल जाए और हल्के से ब्राउन हो जाए, टमाटर भी गल जाएंगे। और ये मेरे हस्बैंड ने लौंग ज़्यादा ही डाल दी थी आज, इसको मैं निकाल रही हूँ, तो आप सोच रहे हो ये लौंग मेरे को अच्छी भी नहीं लगती है ज़्यादा, इसमें तेल में जो लौंग भी डाल दिया। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, हल्का सा ब्राउन करना है, और ये हल्का सा ब्राउन होने के बाद में इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला अपने टेस्ट अनुसार इसमें डाल सकते हो, जैसे भी आपके टेस्ट स्वाद अनुसार डाल सकते हो। एक तरफ मसाला गरम हो रहा है, दूसरी तरफ मैं दूसरी कढ़ाई ली है, कढ़ाई में जो मैंने आटा लगाए थे इस तरह के लंबे लंबे बना लिए थे, और पानी मेरा गरम हो चुका है, और गरम करने के बाद में इसमें डाल रही हूँ मैं ये बेसन के बने हुए गट्टे, क्योंकि आप सोच रही है लंबे लंबे क्या डाल रही लंबी है, क्योंकि बनने उबलने के बाद में इसे कट कर लेंगे चक्कू की सहायता से, गट्टे टाइप में बन जाएंगे, और ये उबलने के लिए रख दिया है। तरफ मेरे गट्टे उबल रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं मसाला भी भून रहा है साथ साथ में, आप देख सकते हो आधे घंटे बाद में इसे चेक कर ले चक्कू की सहायता से, अरे क्योंकि चक्कू के लगना नहीं चाहिए, और ऐट आते बाद कट जाते हैं, तो ये इस तरह से चेक कर ले, यहाँ गट्टे कच्चे न रह जाएं, तो ये हमारे गट्टे पक चुके हैं। और अब मैं इसे गट्टे को जो बेसन के बने हुए गट्टे को ये अलग निकाल रही हूँ प्लेट में, और इसको काटना है चक्कू की सहायता से काटना है, और गट्टे टाइप में बनाना है इनको। प्लेट में गट्टे को निकाल रही हूँ, पानी से बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि ये पक चुके हैं, और इसको काटना है, क्योंकि पहले मैं
ये लंबे लंबे स्लाइस बनाकर डाली थी, अब इसे कट करना है और पानी को बाहर नहीं भगाना है क्योंकि इसे पानी सब्जी के अंदर ही ऐड करना है। कई एक पहले क्या हुआ था, मैं भी ये पानी बाहर भगा दी थी, मुझे पता नहीं था गट्टे की सब्ज़ी किस तरह बनती है। और अब इस ये पानी भगाना नहीं है और सब्ज़ी के अंदर ही ऐड करना है। और ये अब मैंने गट्टे निकाले हैं और पानी को मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं काट रही हूँ गट्टे, गट्टे को इस तरह से कट कर लें। गट्टे में कट कर लिया है, आप देख सकते हो एकदम कट करके इस तरह से कट कर लिया। और अब मैं डाल रही हूँ मसाला, मसाला मैंने टेस्ट अनुसार डाल सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार डाल सकते हो टेस्ट के। और इसमें मसाला ऐड किया है एक चम्मच हल्दी पाउडर और 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हो। और मसाला ऑयल छोड़ चुका है, आप देख सकते हो ऑयल छोड़ चुका है। बीच में मैंने गैस बंद कर दिया था, एक तरफ मेरा ये मसाला पक चुका था और बीच में गैस बंद करना पड़ा क्योंकि गट्टे बने नहीं थे। अब इसमें डाल लूँ मैं गट्टे, गट्टे को मसाले में अच्छी तरह से भूनना है। गट्टे को मसाला में डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से भूनना है और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद में इसमें पानी, जो गट्टे का पानी बचा हुआ था वो ऐड करना है। और ये एकदम भुन चुके हैं और अब इसमें कर रही हूँ मैं जो पानी था गट्टे का वो डाल रही हूँ इसके अंदर। और पानी डालने के बाद में अच्छी तरह से उकाल लें और बहुत ही टेस्टी और अच्छी सब्ज़ी बनती है, सबको पसंद आती है। आप सूखी भी बना सकते हो, मैं थोड़ी हल्की लिक्विड सब्ज़ी ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को लिक्विड सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। पानी ऐड करने के बाद में इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, आप कसूरी मेथी डाल सकते हो, थोड़ी हींग भी डाल सकते हो और नींबू का रस भी निचोड़ सकते हो ताकि ये थोड़ा खट्टापन आ जाए और अच्छी लगती है। मैं नींबू का रस तो नहीं डाल रही क्योंकि इसके अंदर 3-4 टमाटर मैंने डाल दिए थे। और इस तरह से ये रेसिपी बनती है गट्टे की और रसेदार रेसिपी बनी है और अच्छी भी लगती है। मारवाड़ी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और अच्छी भी लगती है, खाने में टेस्टी लगती है। इस तरह से ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, गट्टे की सब्ज़ी, आप सबको पसंद आएगी। भोग लगाने के बाद में अब बच चुके हैं 2 और मैं अपना लंच कर रही हूँ क्योंकि मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ व्रत के दिन। और इस तरह से बृहस्पति का व्रत एकदम सिंपल तरीके से मनाती हूँ और व्रत करती हूँ, रखती हूँ। और शुभम भी अब लंच मेरे साथ ही कर रहा है क्योंकि अब 2 बज चुके हैं तो गुड्डू भी आने वाली है, 3 बजे तो गुड्डू आएगी। तो इस टाइम पर मैं अपना लंच करती हूँ बच्चों के साथ मिलकर, और एक टाइम खाना होता है। और इस प्रकार से मैं बृहस्पति का व्रत वगैरह करती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।